नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान हर रोज हाजिर होती हूँ कुछ ऐसी खबर लेकर जो शायद छूट जाती है आपसे, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर जो कि आपके पास होना जरूरी है। आज की इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर बिलीव करें और इसे आप आगे फॉरवर्ड भी करें। इस मुद्दे पर जाने से पहले, अगर आप एक नए व्यूवर हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर, तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो आपके फोन पर फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जरूर देखिए। चलिए अब मैं मुद्दे की बात कर लेती हूँ। दरअसल आज मैं बात करने वाली हूँ, और सावधान, मैं आपको सावधान करने जा रही हूँ। क्योंकि सावधान मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस समय कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिसे लेकर आप शायद उसके शिकार हो सकते हैं। दरअसल हमने देखा कि 2020 में किस तरीके से कोरोना महामारी ने एंट्री मारी, उसके बाद हम लोग किस तरीके से इस पर पूरी तरीके से इसका असर जो है हम लोगों के ऊपर पड़ा, और अब क्योंकि 2021 में अच्छी खबर आई कि वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई है और इसे लेकर ड्राई रन भी किया गया। लेकिन हर एक नागरिक के पास ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचेगी, इसे लेकर प्लानिंग चल रही है। और एक ऐप का जिक्र किया सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐप का जिक्र किया गया था कि ये ऐप जो है वो मदद करेगा हर किसी के पास वैक्सीन पहुंची या नहीं पहुंची, या किसने लगवाई ये वैक्सीन, उसका रजिस्ट्रेशन जो है उसमें किया जाएगा। यानी कि पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हर उस शख्स की उसके अंदर होगी जिसने वैक्सीनेशन करवा ली है। इसके लिए सरकार ने कहा कि एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम था कोविन ऐप। जी हाँ, कोविन ऐप की बात जो है वो सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन अभी तक ये ऐप आया नहीं है। ये ऐप अभी तक प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसी की डुप्लीकेट कॉपी जो है वो अवेलेबल है ऐप स्टोर पर, प्ले स्टोर पर। और सरकार आपको सतर्क कर रही है कि आपको उस ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ही ये जानकारी दी गई है कि एक फर्जी ऐप जो है कोविन के नाम से ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, जो कि एक तरीके से फर्जी है क्योंकि अभी तक सरकार ने इसे रखा ही नहीं है उस प्लेटफॉर्म पर। तो ये आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, जो कि आपकी पूरी डिटेल बारीकी के साथ ले सकता है अपने पास। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जब भी इस ऐप को प्ले स्टोर पर रखा जाएगा तभी आपको जानकारी दी जाएगी, यानी कि देश के हर एक नागरिक के पास ये जानकारी होगी जब भी इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा या फिर उस प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर इसे रखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि इसकी बात जरूर कही गई है सरकार की तरफ से कि कोविन ऐप सरकार लेकर आ रही है, लेकिन अभी तक ये ऐप लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही ऐप स्टोर पर इस कोविन ऐप का आना, ये सरकार आपको सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है कि सरकार की वो ऐप नहीं है कोविन ऐप जिसका जिक्र सरकार की तरफ से किया गया है, बल्कि ये फर्जीवाड़ा आपके साथ हो रहा है। तो अगर आप भी ऐप स्टोर पर जाकर चेक करेंगे तो कोविन ऐप आपको नजर आएगी, लेकिन वो सरकार की ऐप नहीं है क्योंकि वो फर्जी ऐप है जिसकी पुष्टि खुद सरकार ने की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से ये जानकारी दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है, और कहा गया है कि जब भी कोविन ऐप लॉन्च होगा और जब इसे उस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा जहां से लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी हर एक नागरिक के पास पहुंचाई जाएगी। तो इसीलिए आप किसी भी फर्जी ऐप के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये वो कोविन ऐप नहीं है जिसकी बात सरकार की तरफ से कही गई है। अगर आप लोगों ने भी, अब जितने भी व्यूवर्स अभी ये देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया तो फटाफट से अपने फोन से हटा दीजिए, क्योंकि ये वो ऐप नहीं है जिसकी बात सरकार की तरफ से कही गई है। देखिए, एक तरफ तो पहले से ही इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से सियासत भी इस मुद्दे को लेकर हो रही है कि ये वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन वही अब इस ऐप को लेकर भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि जिस बात का, जिस ऐप का जिक्र सरकार ने किया,
फिलहाल अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो होते हैं जिन्हें इस तरीके की चीजें करने में मजा आता है, या फिर दूसरों की जानकारी लेने में मजा आता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपकी जानकारी हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग किस तरीके से सक्रिय हो गए हैं। तो इसीलिए आप अपने फोन में कोविन ऐप को बिल्कुल भी जगह ना दें। इसे अगर आपने डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से तो बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी जो या फिर जो आपकी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अपने फोन में आपने रखा है वो लीक हो सकता है। तो इसीलिए ये सावधान करने के लिए मैं भी हाजिर हुई हूँ आप लोगों के बीच कि कोविन ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वो सरकार का ऐप नहीं है, सरकार ने अभी इसे लॉन्च किया ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप सभी के पास होना जरूरी है, आप इसे फॉरवर्ड जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सतर्क हो सके, एक्टिव हो सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा। नमस्कार।